नमस्कार, मैं चंचल जैन, कुकिंग मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दहीतरा। बालूशाही टाइप में रहती है, बालूशाही दो तीन दिन से ज़्यादा, चार दिन से ज़्यादा टिकती नहीं है। ये आपके एक महीना तक टिक सकता है दहीतरा। टिक्का बना के रख सकते हैं, उसके अंदर अब जब चाहो जब चाशनी बना के गरम गरम खा सकते हो, इतना अच्छा लगेगा। बाहर गाँव भी जाओ तो ले जा सकते हैं, इतने टेस्टी रहते हैं। ये पाव किलो मैदा है 250 ग्राम। 250 ग्राम मैदा में 50 ग्राम के अंदाजे से घी ले लेना है। किलो में 200 ग्राम और पाव किलो में 50 ग्राम लेना है। उसको अच्छा से मिक्स करना है, एकदम अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सी मौन अच्छे से डाल के ऐसा लड्डू बनना है, ये ध्यान रहना। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, पानी थोड़ा सी गुनगुना लेना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं। गुनगुना पानी से बहुत स्मूथ होता है आटा। इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया है, ज़्यादा घट नहीं ज़्यादा नरम नहीं, इस तरह भिगो के रख दिए है। अब इसके हम 5 मिनट हो गया है, इसकी मोटी रोटी जितना लोया ले लेंगे। हमारे को आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अच्छे से मौन है और घट है आटा, तो मौन डालने के बाद में हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है सूखा आटा लगा के बेलने की। जितनी चाहे उतनी बेल सकते हैं हम। इस तरह से थोड़ी मोटी रखना चाहिए, तब इसको हम थोड़ी कोई भी लेके इसे राउंड ऐसा सर्कल बनाना है। इस तरह से आजू बाजू का निकाल देना है, वापस वो दूसरी रोटी में बनाएंगे जब काम आ जाएगा। ये उपसना नहीं चाहिए, इसको इस तरह से छेद कर देना तो ये उपसेंगे नहीं आपके, एकदम पोसरे पोसरे रहेंगे। धीमे धीमे आंच में तलने का है, बिल्कुल भी फूले तो वो नरम रह जाएंगी, बिल्कुल फूलना नहीं चाहिए। आप चाहे तो फोक यूज़ कर सकते हैं या कोई काढ़ी लेके काढ़ी से भी कर सकते हैं। हमने इस तरह से कर दिया है, ये देखिए थोड़े मोटे मोटे हैं। इसको 2 घंटे तक सुखाना है। इस तरह से पूरे दहीतरे हमने बना लिए हैं, 2 घंटे के लिए सुखा देंगे, उसके बाद में तलेंगे। धीमी आंच में तलना है और घी में तलना है, एकदम बिस्किट के वैसी कलर होना चाहिए और एकदम खस्ता रहना, इतने अच्छे लगेंगी ये हमारे दहीतरे। 2 घंटे हो गए हैं, ये सूखने लग गए हैं हमारे दहीतरे, अब इसको हम तलेंगे। इधर घी रख लिए है तलने के लिए दहीतरे, अब इसमें इसको धीमी आंच में तलना है, एकदम बिस्किट कलर आना है जितना तलना है, और थोड़ा लाल होने के बाद में हलाएंगे। ये हमारे थोड़े
सिकने लगे हैं दही तरे, उसको पलटाएंगे धीरे धीरे। ये आपके 8 दिन भी ख़राब नहीं होंगे दही तरे बना के रखे तो। और जितना होना उतनी चाशनी लगाना है, बाकी के आप फीके एक डब्बे में भर के रख सकते हैं, जब चाहे जब चाशनी बना के गरम गरम खा सकते हैं। कटोरी शक्कर है, इसमें हम आधी कटोरी पानी डालेंगे चाशनी के लिए। इसमें हम थोड़े केसर मिलाएंगे। चाशनी तैयार हो गई है, इस तरह से तार आना चाहिए। अब गैस हम बंद कर देंगे। कलर आ गया है, ऐसा निकालना है। और इसको हम चाशनी में डालेंगे। गरम गरम हमारे दही तरे तैयार है, जब चाहो जब बना के खा सकते हैं। इसको फीके भी तल के रख सकते हैं, गरम गरम चाशनी बनाए डुबाए और खाए।